नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का आईपीएल अड्डा में, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से जुड़ी हर ताजा अपडेट। आईपीएल का 28वां मुकाबला गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। मैच की खास बात यह रही कि अब तक दो अंकों के लिए भी तरस रही दिल्ली की टीम ने आखिरकार अपने होम ग्राउंड पर लगातार हार का सिलसिला तोड़कर जीत का स्वाद चख लिया। दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। कोलकाता ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रनों का स्कोर खड़ा किया था। दिल्ली ने 6 विकेट गंवाते हुए 3 गेंद शेष रहते इस मैच को अपने नाम कर लिया। गुरुवार की शाम शुरू हुई बेमौसम बारिश ने दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को परेशानी में डाल दिया था। करीब 1.5 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश ने पिच में नमी ला दी। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाते हुए केकेआर को पूरी पारी के दौरान एक बार भी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि जब दिल्ली की बल्लेबाजी आई तो डेविड वार्नर को छोड़कर दिल्ली के सारे बल्लेबाज फिर से एक बार फेल दिखाई दिए। कप्तान डेविड वार्नर ने 3rd अर्धशतक लगाया, लेकिन उनके अलावा पृथ्वी शॉ और मनीष पांडे ही केवल 2.5 के आंकड़े तक पहुंच सके। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी नाबाद 19 रन बनाए। 5 मैचों के बाद दिल्ली को आखिरकार पहली जीत नसीब हुई, यानी गिरते पड़ते ही सही, लेकिन दिल्ली ने 2 महत्वपूर्ण अंक जरूर हासिल कर ही लिए। चलिए, ये तो रही कल के मुकाबले की बात। अब बात करते हैं आईपीएल के इस साल के एक नए ट्रेंड की। आईपीएल ने हर बार की तरह इस बार भी युवाओं को एक बड़ा मंच दिया है। कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से चमक बिखेर रहे हैं, तो वहीं कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह की और राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग की। रिंकू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर केकेआर को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, लेकिन दूसरी तरफ रियान पराग हैं जो अभी तक भी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। रिंकू सिंह और रियान पराग की सैलरी में भी बड़ा अंतर है। लाखों पाने वाले खिलाड़ी अब तक करोड़पति पर भारी पड़े हैं। 25 साल के रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 55 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। उन्हें पहले 80 लाख रुपए तक मिल चुके हैं और मौजूदा सीजन की बात करें तो रिंकू ने अभी तक 5 मैचों में 58 की औसत से 174 रन बनाए हैं। 1 अर्धशतक भी इसमें शामिल है। स्ट्राइक रेट उनका 163 का है। 9 चौके के अलावा वो 13 छक्के भी जड़ चुके हैं। यूपी के रहने वाले रिंकू सिंह के ओवरऑल T20 रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो वो अभी तक 80 मैचों में 28 की औसत से 1468 रन बना चुके हैं। 7 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। 79 रन उनका बेस्ट प्रदर्शन है। स्ट्राइक रेट 140 का है। 117 चौके और 64 छक्के उन्होंने जड़े हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में भी 1 शतक और 16 अर्धशतक उनके नाम है। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7 शतक और 19 अर्धशतक उन्होंने ठोके हैं, जिसमें कि नाबाद 163 रन की बड़ी पारी भी वो खेल चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात 21 साल के ही बल्लेबाज रियान पराग की करें तो वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। उन्हें टीम ने 3.8 करोड़ रुपए में खरीदा है। पराग अभी तक 5 मैच में 14 की औसत से केवल 54 रन ही बना पाए हैं। स्ट्राइक रेट 113 का है और अब तक सिर्फ 3 चौके और 3 छक्के ही लगा पाए हैं और इसमें 20 रन ही उनका बेस्ट प्रदर्शन है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 1 मैच में वो अंतिम ओवरों में 12 गेंद पर सिर्फ 15 रन बना पाए थे। इस वजह से टीम को 10 रन से शर्मनाक हार भी झेलनी पड़ी। असम के ऑलराउंडर रियान पराग के T20 के ओवरऑल प्रदर्शन की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक 86 मैच में 25 की औसत से 1509 रन बनाए हैं। 11 अर्धशतक हैं। नाबाद 77 उनका बेस्ट प्रदर्शन है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 132 का रहा है। बतौर लेग स्पिनर 30 विकेट भी ले चुके हैं। पराग लिस्ट ए क्रिकेट में 3 शतक और 7 अर्धशतक जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 शतक और 10 अर्धशतक लगा चुके हैं। रिंकू सिंह और रियान पराग दोनों को अभी तक भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन को अगर आप देखें तो रिंकू इस मामले में काफ़ी आगे नजर आते हैं। आईपीएल के इस बार के पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स ने 6 में से 4 मैच जीते हैं। टीम 8 अंक के साथ टेबल में टॉप पर है। वहीं केकेआर को 5 में से 2 मैच में जीत मिली है। टीम 4 अंक के साथ 7वें नंबर पर काबिज है।
तो आईपीएल अड्डा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको आईपीएल से जुड़ी हर ताजा अपडेट कैसी लगी आप कमेंट करके अपना रिएक्शन हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।